आइए आज बात करते हैं शाहरुख खान की नई फिल्म डंकी के फिल्म में दर्शाए गए विषय की। हर साल हजारों की संख्या में कई इंडियंस यूएसए, यूके और कनाडा जैसे देशों में इलीगली जाने की कोशिश करते हैं। बिना किसी वीजा के बैकडोर इलीगली किसी देश में एंट्री करने का ये पूरा प्रोसेस है, इसे ही डंकी प्रोसेस नाम दिया जाता है। इसी कोशिश में लाखों रुपया खर्च करके भी यूएस बॉर्डर पर भारत के कई माइग्रेंट्स पकड़े जाते हैं। गुजरात के डिंगुचा गाँव का एक परिवार जगदीश पटेल ने बेरोजगारी के चलते उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चों को लेकर डंकी प्रोसेस के थ्रू अमेरिका जाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने 65 लाख रुपए कर्ज लेकर एक एजेंट को दिए, मगर इस बॉर्डर क्रॉस करने से पहले कई नदियां, जंगल और बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही -35 डिग्री के बर्फीले मौसम में बॉर्डर क्रॉस करते वक्त इस परिवार ने दम तोड़ दिया और उनकी लाश यूएस पुलिस को मिली। इसी तरह से इलीगली यूएसए और यूके बॉर्डर क्रॉस करने में जगदीश पटेल का परिवार अकेला नहीं है, पर इनमें से कई सारे अपनी जान गंवा देते हैं इस कोशिश में। कभी भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा के ऐसे रास्ते चुनने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जान है तो जहान है। इस बात पर वीडियो पे एक लाइक तो बनता है।